अस्सलामु अलैकुम। इंडस टाइम्स की खसूसी रिपोर्ट। आज हमजी गुन खरमंग में तंजीम फिलाह बहबूद समाजी स्केल गरोंग हमजी गुन के जेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनका किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त इलाज किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टरों का कहना था कि उन दूर अफ्तादा और सहूलियत से महरूम इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप का इनका नागुजीर था। जी में फलाह बहबूद समाजी स्केल गरोंग खरमंग की जानिब से यहाँ पे मेडिकल कैंप का फ्री मेडिकल कैंप का इनकार किया गया। इसमें हम लोग चार डॉक्टर्स थे, डॉक्टर मैं खुद और डॉक्टर मुस्लिम साहब और डॉक्टर सदफ़ साहिबा और डॉक्टर इब्राहिम साहब। तो यहाँ पे हमने सुबह 9 बजे कैंप स्टार्ट की है और हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल हमजीगौंड में, और माशाल्लाह से हमने अभी तक कोई चारों को मिला के कोई 400 से 500 पेशेंट हमने चेक किए हैं। तो इस फ्री मेडिकल का हम जीवन में इनगात इनकी जो तंजीम की तरफ से हमें कहा गया, तो हमने मानवान इस पे उनको क्या क्या रजामंदी शो करके यहाँ पे आ गए, क्योंकि दूर दराज इलाका है, हम जीवन बॉर्डर एरिया में है और आजकल सीजनल बीमारियाँ भी है और लोगों को आने जाने भी में मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हमने हर किस्म के पेशेंट चेक किए हैं, लेडी मेडिकल ऑफिसर्स भी यहाँ पर थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रोज़ा फ्री मेडिकल के हम ज़ेर इंतज़ाम तंजीम फ़लाह बहबूद समाजी स्किल रूम हमजीगुन इस कैम्प के इनेकाद के लिए हम कोई एक महीने से कोशिश कर रहे थे। हाजी रजा साहब जो है पर्सनली इस चीज़ में काफ़ी कोशिश कर रहे थे, तो इस इतवार को हमने ये तय किया था कि ये एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैम्प का इनेकाद करेंगे, क्योंकि हमजीगुन जो है हमारे बॉर्डर एरिया के जो जितने भी गाँव हैं आस पास के, मरोल गनोख दंसर अच्छा चचथंग मरमक सिंकरमो इन सब तरकती इन सब पूरे इस गिरद नवाह में कि सेंटर एक जगह बन जाती है हमजुगुन, लिहाजा हमने हमजुगुन में रखा था ताकि जो है ना आसपास के जो गांव हैं वहां से लोग आसानी के साथ यहां पे आ सकें। और इस सीज़न में रहने का मकसद भी यही था कि आजकल सीजनल जो है फ्लू सीजनल फेरेंजाइटिस वगैरह और ये मौसम जो है चेंज हो रहा है, इस वजह से काफ़ी डिजीज़ वायरल हो रहे हैं, तो इसमें लोगों की काफ़ी मदद साबित होगी, ये समझकर हमने किया था। बाकी इस कैंप को कामयाब बनाने में हमारे साथ जो है जो तआवुन किया वो एक तो ख़ुद तंजीम फ़लाह बहबूद इन्होंने तो पूरा इस कैंप को होस्ट किया, उसके अलावा हमारे जो 123 मेडिकल बटालियन है उन्होंने भी काफ़ी हमारे साथ तआवुन किया। उसके बाद डीएचओ साहब हमारे खरमंग के डीएचओ साहब डॉक्टर बशीर साहब उन्होंने भी तआवुन किया, अखौंदिया वेलफेयर ट्रस्ट के नौजवानों ने भी काफ़ी तआवुन किया, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड का मशीन भी उन्होंने दिया था लेकिन लाइट ना होने की वजह से हम ये ना कर सकें। बाकी अखौंदियान वेलफेयर ट्रस्ट के नौजवानों ने काफ़ी हमारे साथ तआवुन किया है। बाकी यहाँ के हमारे नंबरदार हाजी फिदाली साहब इन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी तआवुन किया है। हमारे पास लेडी डॉक्टर भी मौजूद थी, LHVs भी मौजूद है, उनका अलग से चेकअप हो रहा है। बाकी डॉक्टर इब्राहिम खलील भी हमारे पास है, वो वहाँ पर अपना हजामा का सेटअप पूरा लेके आए हुए हैं और पेशेंट्स को वहाँ डील कर रहे हैं। आज हमारे साथ चार डॉक्टर साहब हमारे साथ फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, तो इसमें जो खसूसी तआवुन है हमारे जनाब ज़हीर भट्ट साहब जो कि हमारे इस एरिया के जो है ना अच्छे कारकुन हैं, सोशल वेलफेयर में इनका बड़ा किरदार है। तो ये जो फ्री मेडिकल कैंप है इसमें जो तआवुन जिन्होंने किए हैं ना वो 123 बटालियन और उसके अलावा यहाँ पे जो तंजीम फलाह बहबूद समाजी जो स्किल ग्रोंग है, उसके अलावा महकमा सेहत खरमंग और तीसरा हमारे पास जो तआवुन अखौंदियान वेलफेयर जो ट्रस्ट है उन्होंने हमारे साथ तआवुन किया है। तो काफ़ी हमारे पास पेशेंट आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको मेडिसिन दी है, फ्री मेडिकल वो दिए और यहाँ पे हमने ECG की सहूलियत भी फ्राहम की है। और मैं पर्सनली कपिंग थेरापिस्ट भी हूँ, तो एज़ ए कपिंग थेरापी भी मैं जो है प्रोवाइड किया जो कि फ्री था। तकरीबन 18 से 20 पेशेंट थे मेरे पास डिफरेंट केसेस के उसमें, तो उनको फ्री कपिंग किया गया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा।